बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजी द्वारा धार्मिक आस्था के केंद्र धाराजी घाट पर स्नान पर लगे प्रतिबंध को 17 वर्षों बाद हटाकर 3 करोड़ की लागत से नवीन घाट निर्माण कराया गया, जिसका लोकार्पण शनिचरी अमावस्या के अवसर पर संत उत्तम स्वामी जी की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान धाराजी घाट पर कन्याओं का पूजन कर संत समागम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजी के नेतृत्व में सभी संतों का भव्य अभिनंदन किया गया। लोकार्पण अवसर पर विधायक कन्नौजे और संत उत्तम स्वामी और अन्य अतिथियों द्वारा मां नर्मदा में स्नान करने के बाद मां नर्मदा का पूजन कर चुनरी चढ़ाई गई। इस दौरान संत उत्तम स्वामी जी ने कहा कि विधायक कन्नौजे के प्रयास से ही आज धाराजी घाट पर नवीन घाट का निर्माण हुआ है, साथ ही यहाँ पर पुनः स्नान प्रारंभ हुआ है। यह बागली विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे जिले और अन्य जिलों के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। लोकार्पण अवसर पर संत समागम के पश्चात भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की व अन्य कई धार्मिक आयोजन हुए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कराती है इतने वर्षों से और ये यश कीर्ति पहाड़ सिंह जी का, मुझे लगता है यहाँ नाम हो चाहे न हो लेकिन शिव लोक में अपने पहाड़ सिंह जी ने अपना नाम लिखा दिया, इतना अद्भुत काम करवाया है। और दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण, हम आगे पीछे हो रही थी तपन जी भाई साहब, हम लोग तारीख कथाओं के कारण लक्ष्मी नारायण ने मुझे डराया, सबको निमंत्रण दिया, ये दिया वो दिया, सबका मेरे पास फोन आया, फिर भी दैव योग से कि हेलीकॉप्टर की कोई हमको थोड़ी असुविधा रही, नहीं तो हम उसी से आते हैं। फिर भी माँ के कृपा से आज ये मेरे हाथ से और पहाड़ सिंह जी को, तपन जी भाई साहब सभी को सहयोगी बनाकर इस माँ को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश प्रशासन और पहाड़ सिंह का पुरुषार्थ, इसका प्रमाण ये है कि आज हमारे सभी सनातन धर्मियों के लिए माँ के चरणों में बैठकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।